सीएम योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध द्वारा उनका आज रहा आज सेक्टर 39 में कोविड हॉस्पिटल का उन्होंने उद्घाटन किया। कल शाम गौतम बुद्ध नगर पहुंचे हैं सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी ने सेक्टर 39 में कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। वहीं यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी गंभीर हैं, इसलिए कोविड कंट्रोल के लिए सीएम ने खुद कमर कसी है। सीएम योगी सभी कोरोना एपी सेंटर का दौरा कर रहे हैं। दुबई से तकरीबन 190 लोगों को लेकर आ रहा इंडिया का विमान केरल के कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिसल गया। जानकारी के मुताबिक ये विमान रनवे से फिसलने के बाद घाटी में जा गिरा और दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे में राहत और बचाव के लिए टीमें पहुंच चुकी हैं, जिन्होंने विमान सवार यात्रियों को बाहर निकाला है। केरल में कोझिकोड एयरपोर्ट पर हुए विमान हादसे में पायलट समेत 19 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही विमान में सवार सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है। विमान में क्रू मेंबर समेत 190 यात्री सवार थे। केरल के कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार शाम को एक विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। इस विमान में करीब 190 लोग सवार थे। रनवे पर लैंडिंग के वक्त बारिश हो रही थी, ऐसे में पायलटों को बेहद सूझबूझ के साथ फैसला लेना होता है। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। यह बीते 24 घंटे में बदमाशों के साथ पुलिस की हुई पांचवीं मुठभेड़ है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। साथ ही बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा और बाइक भी बरामद की है, तो वहीं पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया है। थाना नजीबाबाद में सोपोर इलाके में दो मासूम बच्चों समेत मां ने खुदकुशी कर ली। घरेलू विवाद में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। हरदोई जिले से एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल यहां एक अधेड़ ने 4 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बना लिया। तो वहीं इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी और उसका पूरा परिवार फरार है। फिलहाल पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है पुलिस। चलती बाइक में लगी भीषण आग, आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। थाना चमनगंज के तुकनिया पूर्वा चौराहे की घटना है। गोंडा जिले के तबरगंज इलाके में घाघरा नदी जमकर कहर बरपा रही है। दरअसल ऐली पर सौली गांव के पास बना भिखारीपुर सकरौर बांध के पास करीब 100 मीटर हिस्सा पानी में समा गया है, जिसकी वजह से बिसुनपुर गांव में पानी घुस गया है। आगरा के थाना जगनेर क्षेत्र के मेवली गांव में बेरहम पिता की करतूत सामने आई है, जहां पिता ने बच्चे को उल्टा लटकाकर बेरहमी से पिटाई कर दी। बच्चे की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। हरदोई में शॉर्ट सर्किट की बाद दुकान में भीषण आग लग गई। ऑटोमोबाइल की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। शहर कोतवाली के सिनेमा चौराहा के पास की घटना बताई जा रही है। जौनपुर में पुलिस की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर पीड़ित पक्ष पर केस वापस लेने का दबाव बनाकर पुलिस ने युवक के साथ मारपीट की। वीडियो में महिला पुलिसकर्मी एक महिला को भी पीटती हुई नजर आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ईडी की जांच तेज हो गई है। आज सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ होगी, तो कल 8 घंटे से भी ज्यादा रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई थी। देश में 21 लाख के पार कोरोना के आंकड़े पहुंच चुके हैं। 21 लाख के करीब पहुंच गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के कल सबसे ज्यादा 61,537 नए केस सामने आए हैं। साथ ही एक दिन में कोरोना से 933 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 20,88,611 हो गई है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,458 मामले सामने आए हैं। यूपी में कोरोना से
अब तक 1918 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के 43,654 केस एक्टिव हैं। उत्तराखंड में लगातार कोरोना ग्राफ बढ़ रहा है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 8,901 पर पहुंच गई है। शुक्रवार को 278 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, तो वहीं कोरोना से अब तक राज्यभर में 112 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में कोरोना काल में जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी हो रही है। यहां पीजीआई में भर्ती कई मरीजों की जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई गई है। जांच रिपोर्ट कम समय में देने के नाम पर वसूली की जा रही है। पैसे लेकर पीजीआई की जांच रिपोर्ट जैसी फर्जी रिपोर्ट तैयार की जाती है। मामला प्रकाश में आने पर आरोपियों के खिलाफ पीजीआई कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। भारत में क्रिकेट प्रेमियों को आईसीसी ने एक खुशखबरी दी है। 2021 में खेले जाने वाला आईसीसी टी20 विश्व कप भारत में होगा। इसके अलावा 2022 में ऑस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। मुंबई में बारिश काल बनकर बरस रही है। भारी बारिश के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं बारिश से लोगों सड़कों पर जलभराव हो गया है और जलभराव के कारण लोकल ट्रेन तथा बस सेवाएं बाधित हो गई हैं। झांसी के थाना सिपरी बाजार के ग्राम सिमारधा में सुनसान मकान में एक शख्स का शव संदिग्ध हालत में फंदे से लटका हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोने के दाम में शुक्रवार को भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस तरह लगातार 16वें सत्र में सोने के भाव में तेजी देखने को मिली है। राष्ट्रीय राजधानी में सप्ताह में आखिरी कारोबारी सत्र में सोना बढ़त के साथ अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर 57,008 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। पिछले सत्र में सोना 57,002 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। लगभग हर दूसरे दिन आप चेक फ्रॉड से जुड़ी खबरें सामने आती रही हैं। आज के समय में फर्जी चेक तैयार करने या फंड निकालने के लिए अकाउंट होल्डर के विवरण में फेरबदल काफी आम है। ऐसे में चेक के जरिए भुगतान को और सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई ने 50,000 रुपए से अधिक के सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे नाम के एक मैकेनिज्म लाने का फैसला किया है। सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत छठी किस्त भेजने वाली है। इस महत्वाकांक्षी योजना की छठी किस्त के तहत मिलने वाली राशि का देश के किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं तो आप सबसे पहले पीएम किसान के लाभार्थी की लिस्ट में चेक कर लेनी चाहिए। इस लिस्ट में इस योजना के सभी लाभार्थियों के नाम दर्ज होते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने पीएम किसान स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, उसके बाद सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है या नहीं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 31 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान 11.94 अरब डॉलर की जोरदार बढ़ोतरी के साथ 534.57 अरब डॉलर के रिकॉर्ड सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। गुरुवार को मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि 534.6 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार 13.4 माह के आयात खर्च के बराबर है। इस साल के इंडियन प्रीमियर लीग का इंतजार हर किसी को है। कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद से ही भारतीय टीम ने कोई भी मैच नहीं खेला है। इस टूर्नामेंट के जरिए भारतीय खिलाड़ियों की मैदान पर वापसी होगी। लोगों में सबसे ज्यादा उत्सुकता पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दोबारा से खेलते हुए देखने को लेकर है। 2019 विश्व कप के बाद से वह मैदान पर नजर नहीं आए हैं। 19 सितंबर में चेन्नई की टीम मौजूदा चैंपियन मुंबई के खिलाफ खेलने उतरेगी। यह मैच धोनी का वापसी मुकाबला होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कांग्रेस का करारा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि साल 2008 में कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच साइन हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सुप्रीम कोर्ट तक हैरान है। नड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। हरियाणा में शराब घोटाले की जांच करने वाली एसीटी को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज आमने सामने आ गए। विज ने एसीटी की रिपोर्ट के आधार पर अबकारी एवं
कराधान। आयुक्त शिखर विद्यार्थी तथा सोनीपत की पूर्व एसपी प्रतीक्षा गुदारा को शराब घोटाले का जिम्मेदार मानते हुए विजिलेंस जांच की सिफारिश की। दुष्यंत ने विज के आरोपियों तथा एसआईटी के सिफारिशों का पूरे तथ्यों के आधार पर जवाब देते हुए इसे खारिज कर दिया। इसे विज और दुष्यंत चौटाला के बीच टकराव के हालात पैदा हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चिंता जताई है कि किराने की दुकानें, सब्जी और अन्य विक्रेता बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण फैला सकते हैं। भूषण ने राज्य के सभी मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि कोविड 19 महामारी अब देश में नए क्षेत्रों में फैल रही है। प्राथमिक उद्देश्य विशेष रूप से नए स्थानों में प्रकोप को नियंत्रण करना है। एक ही समय में ध्यान हर कीमत पर जीवन बचाने के लिए होना चाहिए। दक्षिण कोरिया की वाहन निर्माता कंपनी किया मोटर्स ने आज अपनी बहुप्रतीक्षित कार किया सोनेट को वैश्विक स्तर पर पेश कर दिया है। बता दें कि किया सोनेट भारत में सेल्टॉस और कार्निवल के बाद कंपनी की तीसरी कार होगी जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी जगह बनाएगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि किया सोनेट एक मेड इन इंडिया कार होगी और भारत में इसे अन्य देशों में निर्यात किया जाएगा। प्रयागराज से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां स्वरूपी रानी अस्पताल में गार्ड की दबंगई देखने को मिली। गार्ड ने बुजुर्ग महिला की लातों और जूतों से पिटाई कर दी। बुजुर्ग महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और आरोपी गार्ड को अस्पताल से निकाल दिया गया। बता दें कि ऐसारान हॉस्पिटल में कोविड L3 हॉस्पिटल बनाया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उन्हें अधीनस्थ सेवा आयोग मुख्यालय के उद्घाटन पर खुशी है। बीते 3 सालों में आयोग के पंख बांध दिए गए हैं। रावत ने कहा कि मैं सीएम से आयोग के स्तर को अच्छा करने का आग्रह करता हूं। हजारों नौजवानों की बड़ी उम्मीद आप पर टिकी हुई है। उधम सिंह नगर के आजाद नगर इलाके में दंपत्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 5 अगस्त की शाम से दोनों लापता चल रहे थे। बेटे ने दोनों की गुमशुदगी दर्ज कराई। हरदोई में साडनी इलाके में 50 रुपए के लेन देन में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। उधारी को लेकर दोनों युवकों में मारपीट हुई। मारपीट में एक युवक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। महाराजगंज जिले के परेंदा कस्बे में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसके चलते 3 लोगों की मौत हो गई। कस्बे में आटा चक्की का ट्रायल चल रहा था, जिस दौरान चक्की मशीन के फटने से मौके पर मौजूद 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को इलाज के लिए गोरखपुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि परिजनों के द्वारा तहरीर दी जा रही है, जिसके बाद पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को शपथ दिलाई है। गौरतलब है कि राज्य के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था और कल ही मुर्मू को CAG बनाया गया है। केरल के इडुक्की जिले में राजमाला में भूस्खलन के चलते दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर अब तक 14 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 80 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए हैं। तो वहीं हादसे में कई मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। 10 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिंदा निकाला गया। केरल में लगातार बारिश के बाद यह हादसा हुआ है। BMC ने क्वारंटीन से IPS विनय तिवारी को छोड़ दिया है। सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई गए थे। पटना के सिटी ASP BMC ने हाथ पर 15 अगस्त को क्वारंटीन में रहने का ठप्पा लगाया था। काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव का मंदिर कोरोना वायरस के चलते 141 दिनों बाद खुल गया है। मंदिर को कोविड-19 के दिशा निर्देशों के तहत खोला गया है, लेकिन अभी भी मंदिर के गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश पर रोक है। मंदिर अब से रोज मंगला आरती से रात 10 बजे तक खुला रहेगा।
अयोध्या रेलवे स्टेशन के विकास के लिए 104 करोड़ रुपए राशि की मंजूरी दी गई है। रेलवे स्टेशन का विकास दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण के तहत आधुनिक यात्री सुविधाओं के लिए काम शुरू हो चुका है। रेलवे स्टेशन में टिकट काउंटर संख्या बढ़ाई जाएगी। वेटिंग रूम का भी विस्तार होगा। 3 वेटिंग, एसी रूम, फुटओवर ब्रिज, फूड प्लाजा और दुकानें भी इसमें शामिल होंगी। लखनऊ यात्रियों के लिए परिवहन निगम ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यात्रियों के हित और सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को यह कदम उठाया गया है। 10 अगस्त से बस स्टेशन पर कोरोना से बचने के लिए 6 रुपए में कॉटन मास्क यात्रियों को दिया जाएगा। उत्तराखंड में भारी बारिश का आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 9 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश जो है वो हो सकती है। आगरा में क्वारंटीन सेंटर की हैरान करने वाली तस्वीर वायरल हुई है। आगरा के हिंदुस्तान कॉलेज में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पीपीए किट खुले में रूम के बाहर पड़ी है। क्वारंटीन हुए कोरोना मरीज के गंदगी का मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। महाराजगंज में हार्श फायरिंग करते हुए एक शख्स का वीडियो वायरल हो गया। राम मंदिर शिलान्यास की खुशी में युवक ने फायरिंग की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रमेश मोदनवाल को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीतापुर में सांप के काटने से 3 सगे भाइयों की मौत हो गई। आंगन में परिजनों के साथ सो रहे थे तीनों बच्चे, तभी सांप ने डस लिया। तीनों मासूम बेटों की मौत से घर में कोहराम मच गया है। सदरपुर थाना क्षेत्र के पिपरी गांव की घटना बताई जा रही है। बाजपुर में एक क्रेन ने साइकिल सवार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। हरदुआगंज क्षेत्र के कस्बा जलाली में घरेलू विवाद में भाई की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। झगड़े में हत्यारा भाई भी घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।